Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. Continuing with our topic, dishonoring of a bill. Under the last situation, if the bill is sent to bank for collection by Mr. Rich on March 27, 2009. So, Mr. Rich ko ye paise kis se aana hai? Mr. Poor se aana hai. Kab aana hai? April 4th ko aana hai. But March 27th ke din, kuch zaruri kaam se Mr. Rich kahan ja rahe? Dubai ja rahe. So, Dubai jaane se pehle Mr. Rich, ये बिल किसको दे रहे? बैंक को दे रहे. ये बोलते हुए कि एक हफ्ते में मिस्टर पूर से पैसे आना है. काइंडली यू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर पूर ऑन माय बिहाफ. तो उसको क्या बोलते हैं? बिल सेंड फॉर कलेक्शन. तो यहाँ पे फिर से सेम फर्स्ट दो जनरल एंट्रीज दोनों के बुक्स में सेम रहते. जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ मिस्टर रिच, जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ मिस्टर पूर. ये बंदा क्या लिखेंगे? जिसको बेच रहा है उसका नाम लिखेंगा मिस्टर पूर अकाउंट रिटार्ड टू सेल्स. ये बंदा क्या करेंगे? जिससे खरीद रहा है वो बंदे का नाम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट रिटार्ड टू मिस्टर रिच. जैसे ही ये बंदा सेल करा, ये बंदा बिल बनाता, तब ये बंदे की जनरल एंट्री क्या आती? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रिटायर्ड टू मिस्टर पूर. ये बंदा वो बिल एक्सेप्ट करता, तब ये बंदे के पास जनरल एंट्री क्या आती? मिस्टर रिच अकाउंट रिटायर्ड टू बिल्स पेएबल. तो कोई भी सिचुएशन रहने दीजिए, फर्स्ट दो एंट्रीज दोनों में सेम रहते. अब मार्च 27th के दिन मिस्टर रिच क्या कर रहे? ये बिल बैंक वालों को दे रहे. उसको क्या बोलते हैं? बिल sent for collection account debit to. ये जो बिल आई थी, आई जब बिल्स रिसीवेबल डेबिट में लिखे थे, अब ये बिल रख रहे हैं या बैंक वालों को दे दे रहे? तो ये बिल जारी बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट में आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन अमाउंट 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट. तब यहां पे मार्च 27 में जनरल एंट्री क्या आएंगी? नो एंट्री आएंगी. क्यों? ये ट्रांजैक्शन मिस्टर रिच और मिस्टर रिच के बैंक के दरमियान में हो रहा. तो मिस्टर पूर बोलते हैं आई एम दिस वादर बोलते बोलते बट अप्रैल 4th के दिन मिस्टर पूर मिस्टर रिच के बैंक को पैसे दे रहे नहीं दे रहे. दिस इज कॉल्ड एज डिसऑनरिंग ऑफ ए बिल. तो जैसा बिल रिटेन में, बिल डिस्काउंटेड में, बिल एंडोर्स में ये बंदा एंट्री लिखा था बिल्स पेएबल अकाउंट रिटायर्ड टू मिस्टर रिच, बिल सेंट फॉर कलेक्शन में भी जब बिल डिसऑनर होती, अभी भी ये बंदा यही एंट्री लिखेगा बिल्स पेएबल अकाउंट रिटायर्ड टू मिस्टर रिच. अब ये जो बैंक को हम बिल दिए थे, वापस जब मिस्टर रिच दुबई से इधर आ जा रहे अपने वहाँ पे, तब मिस्टर रिच को उनका बैंक वाला वो बिल ला के दे दे रहा कि आपका बंदा पैसे नहीं दिया. तो अपने को क्या क्लोज करना है? ये जो बिल्स रिसीवेबल था ये तो क्लोज हो गया, अब बचा गया बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्लोज करना है. तब यहाँ पे ये डेबिट में था, इसको क्लोज करने के लिए बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट में लिखेंगे. बिल के पैसे किससे आना है? पूर से आना है. तब जनरल एंट्री क्या आएंगी? अप्रैल 4th मिस्टर पूर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट. इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन रिटर्न्ड डिसऑनर्ड effort simply being bill dishonored. Hope you have liked my video, and if you like my video do subscribe to my channel AIMS tutorial for accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. Thanks for your valuable time. See you in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.